अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर है और आप देख रहे हैं जहांगीर डेली वर्कआउट। जैसा कि आपको पता है कि आज वेनसडे है और आज हम लगाएंगे अपना शोल्डर। शोल्डर लगाने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि मैं पिछली दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें से एक है चेस्ट, दूसरी है बैक। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको बता रहा हूँ कि हम जो है किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या एंगल्स लगा रहे हैं, क्या गलत लोग मिस्टेक करते हैं, उसका सही तरीका क्या है, तो वो देखना ज़रूरी है। आज हम लोग लगाएंगे शोल्डर। जिम जाने से पहले जो है आप लोगों को पता है, जिन्होंने वीडियोस देखी भी हैं, कि आधे पौने घंटे पहले हम एक डाइट लेते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी वीडियो वो जाके देखें और फिर मिलते हैं जिम में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से मसल्स को आज टारगेट करेंगे। तो हम तीन मसल को आज टारगेट करेंगे, जिसे हम कहते हैं फ्रंट डेल्ट, इसमें दूसरा आ जाता है हमारा मिडल डेल्ट और थर्ड आ जाता है हमारा रियर डेल्ट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा पुशअप शोल्डर पुलअप्स, तीन सेट फेलियर तक लगाना है। ग्रिप आप मेरी चेक कर लेगा कि ग्रिप मैंने जो है स्ट्रेट ली हुई है, जिस तरह हम स्ट्रेट डंबल उठाते हैं ना, उस तरह की मैंने ग्रिप ली हुई है कि मेरा सारा शोल्डर पर ही जोर है। थोड़ा मुश्किल होगी लगाना, लेकिन कोशिश करेगा कि मिनिमम भी 4 से 5 लगाएं। जैसे कि ये जो है 4 से 5 अपने रेप्स निकालेगा, लेकिन ये 3 सेट लगाएगा तो आपके शोल्डर आका पम हो जाएगा, क्योंकि हम शोल्डर ग्रिप की पुलअप्स लगा रहे हैं। इस वाले भाई को तो थोड़ा मुश्किल है उठना, तो मैं इसकी हेल्प कर रहा था, जिसमें मेरा पूरा बाइसेप और शोल्डर ऑलरेडी पम्प हो गया था। तो आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है तो उसकी आप हेल्प करेगा। ये हम एक्सरसाइज लगा रहे हैं पहली एक्सरसाइज आर्नल्ड प्रेस, 4 सेट 12-10 के। ये जो है हमारी साइड और फ्रंट जो, लेकिन प्राइमरी मसल है ये हमारा साइड डेल्ट जो है उसको टारगेट करता है। सो थोड़ा सा ये गलत एंगल लगा रहा है, मैं आप लोगों को सही एंगल बताता हूँ। ये जो है काफ़ी ही गलत एंगल लगा रहा है, इसका डंबल आप देख रहे हैं बैलेंस नहीं है बिल्कुल। उसकी रीज़न ये भी है कि आप जब भी एक्सरसाइज लगाओगे, आप बेंच पर जो है ना अपनी बैक को टेक लगा के बैठोगे कि आपकी बॉडी जो है स्टेबल रहे। डंबल देख रहे हैं इसके नीचे आते हुए कितना ऊपर नीचे हो रहे हैं, कि मतलब हर बंदे को पता होगा कि गलत एक्सरसाइज लगा रहा है। एक डंबल आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। इसका सही तरीका क्या है कि आपने पहले अपनी बैक को बेंच से टेक लगाना है कि आपकी बॉडी स्टेबल हो, ऊपर तक लेकर आना है और अपने शोल्डर तक ला के इसको एंड करना है। फेस के पास देख रहे हैं मेरा डंबल जो है वो एंड हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है। नीचे आते हुए मेरा हाथ जो है वो फ्रंट की तरफ खुल रहा है। तो ये थी हमारी आर्नल प्रेस। इसके बाद हम लाएंगे बैक डंबल प्रेस। मोस्टली लोग ये गलत लगा रहे होते हैं। क्या गलत लगा रहे होते हैं कि ऊपर लाते हुए दोनों डंबल को आपस में टकरा रहे होंगे, या तो हाथ काफ़ी नीचे लेके आ रहे होंगे और नीचे आते हुए हाथ को काफ़ी अपने फेस से दूर लेके जा रहे होंगे। इसका तरीका क्या है, स्टार्ट और एंड मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, स्टॉप करके आप ये पिक्चर भी देख लेगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ये भी वही गलती कर रहा है, ऊपर लाते हुए अपने हाथों को दोनों को बहुत ज़्यादा करीब लेकर आ रहा है, नीचे आते हुए अपने हाथों को बहुत ज़्यादा दूर लेके जा रहा था। तो मैं उसको यही बता रहा हूँ कि नीचे आते हुए आपके दोनों डंबल जो हैं वो आपके शोल्डर लेंथ पे ही नीचे आएंगे और उसके बाद उसी लेंथ पे हल्का सा अंदर की तरफ आएंगे। जैसे देख रहे हैं नीचे आते हुए इसका हाथ शोल्डर जो है पूरा पीछे की तरफ है। मैं आपको इसके गलत एंगल भी बता दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लोग गलत एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उसका सही तरीका क्या है। अच्छा, ये भी हमारी साइड डेल्ट जो है उसकी एक्सरसाइज है। ये मैं इसको बता रहा था ये क्या गलती कर रहा है, क्योंकि इसकी वीडियो नहीं बनी थी। ये जो है एग्जैक्टली जो है ना इस तरह एक्सरसाइज कर रहा था। लोग जो है क्या क्या गलत एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फेस से बहुत पीछे तक अपने डंबल लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, या तो अपनी पूरी बॉडी को मूव कर रहे होंगे और ऊपर नीचे फुल पंजाबी डांस की तरह एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो ये जो है ना ये गलत एक्सरसाइज है। मैं हालांकि हैवी वेट लगा रहा हूँ, लेकिन अब मैं जो हूँ सही तरीका लगा रहा हूँ। शोल्डर ग्रिप पर ही मेरा हाथ नीचे आ रहा है, फेस के पास मेरा जो वेट है एंड हो रहा है और हल्का सा ऊपर आते हुए करीब आ रहा है। देख रहे हैं स्टेबल कितना है, मेरा बॉडी स्टेबल है, मेरे हाथ स्टेबल हैं, कहीं और मेरा वेट नहीं आ रहा, सिर्फ मेरा साइड पर ही डेल्ट पे वेट आ रहा है। ये हमारी है रियर डेल्ट फ्लाई। ये जो हम टारगेट कर रहे हैं ये हमारा साइड और जो हमारा रियर डेल्ट जो पीछे का एरिया है उसको हम टारगेट कर रहे हैं।
बॉडी जो है हल्की सी मेरी जो है बैंड है, नी जो है मेरी बैंड है, और हाथ जो है मेरे, ये भी मैं गलत एक्सरसाइज करके बता रहा हूँ कि किस तरह से लोग गलत गलत परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसका सही तरीका क्या है। आपने अपने आप बॉडी को स्टेबल किया, ठीक है, नी बैंड करी, हाथ पूरा ऊपर की तरफ आएगा और एल्बो जो है मेरे हल्के से पीछे की तरफ आ रहे हैं, हल्के से एल्बो जो है मेरे पीछे की तरफ है। इसमें जो है मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने बड़ा जो मसल होता है शोल्डर का आपका साइड वाला, उसको टारगेट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो पीछे का जो मसल होता है जिसको सब लोग बहुत लोग रिग्रेट कर रहे होते, नहीं लगा रहे होते। ये है हमारी साइड डेल्ट रेस। इसमें जो है मैं अपने जो साइड का जो मसल है उसी को टारगेट कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो है मेरा फ्रंट जो है वो भी टारगेट हो रहा है। एल्बो जो है मेरी कितनी बैंड है, और मेरा हाथ जो है दोनों आते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ है, मतलब मेरी फेस की तरफ इसका एंड हो रहा है, और स्टार्ट आते हुए नीचे की तरफ। तो आप लोग को भी इसी तरह परफॉर्म करना है कि नीचे की तरफ आता आएगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये क्या गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखें इसका सारा जो है ना वेट जो है वो सारा अपनी फेस पे ले रहा है, क्योंकि आप अननेसेसरी अगर हैवी वेट उठाओगे आपसे वेट भी नहीं उठेगा, और आप जो हो फिर अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स को जो है इन्वॉल्व करोगे। ये हमारी जो है 6 सेट लगाने पहली चीज़ तो इसके हमें, और ये हमारी है रेड डेल्ट एक्सरसाइज, मतलब जो हमारे पीछे का जो मसल है, बहुत से लोग इसको परफॉर्म नहीं करते लेकिन बहुत ज़रूरी इसको परफॉर्म करना। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ का एंगल देख लें किस तरह से है, ये जो लगा रहे मैंने इसको ग्रिप किस तरह से पकड़ा, ये डंबल किस तरह से मैंने इसको हैंड किया हुआ बंदे ने, हाथ जो है आपका उसी रेंज में पूरा ऊपर जाएगा, उसी रेंज में जो है नीचे आएगा। बेंच पे लगाएगा क्योंकि खड़े होके इस पर नहीं लगाएगा, क्योंकि आपका और बॉडी पार्ट में जो है वेट आ रहा होगा, बेंच पे लगाएगा कि आपका जो भी फोकस है ना वो शोल्डर की ही तरफ हो, और आपका जो वेट जो आप उठा रहे हैं वो पैरों पे और बॉडी पार्ट्स पे ना आए। जो मैं लगा रहा हूँ मुझे देखें ग्रिप मैंने किस तरह से ली हुई है, किस तरीके से हाथ मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, कि मेरा जो पीछे का जो मसल है ऐसे हम रेड डेल्ट कहते हैं वो टारगेट हो। ये है हमारी बार्बर अप राइट रो। ये गलती कर रहा है, अपने हाथों को अपने एल्बो से भी ऊपर लेके जा रहा है, मतलब शोल्डर से भी ऊपर लेके जा रहा है, ये नहीं करना है। अच्छा ये जो है ये थोड़ी और दूसरी किस्म की गलती कर रहा है, नीचे आते हुए बहुत आगे की तरफ रॉड को लेकर आ रहा है, मैं अभी इसको समझाऊँगा। स्ट्रेट लेकर आना है, आगे की तरफ नहीं इसको लेके जाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं ऊपर ला के आगे की तरफ थ्रो करते हैं, आगे की तरफ थ्रो नहीं करना, उसी रेंज में ऊपर आएगा, उसी रेंज में ही नीचे आएगी रॉड जो है आपकी। इसको मैं दोबारा समझाऊंगा कि ये वाली गलती कर रहा था, ये गलती नहीं करनी, स्ट्रेट नीचे आएगा। इसका सही तरीका क्या है कि आपका जो ऊपर आएगा, देखें शोल्डर की लाइन में मेरा एल्बो है, हाथ जो मैंने ग्रिप ली हुई मेरे चेस्ट की तरफ आके एंड हो रहा है उसका, सही है। तो चेस्ट नीचे होगा और एल्बो थोड़ी सी ऊपर होगी, शोल्डर ग्रिप आपको लेनी है, शोल्डर से थोड़ी सी बाहर से आपको ग्रिप लेनी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी ट्राइसेप की। अल्लाह हाफिज़।